के कौशल को किस प्रकार युवा शक्ति में संचालित करना है, युवा शक्ति को किस प्रकार एकत्रित कर समाज को नई दिशाओं से जोड़ना है, उनके अनुभव को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। उनके सत प्रयास से जो इस सम्मेलन का जो विहंगम रूप हमारे सामने है, वह देखते ही बनता है कि मेरी मातृशक्ति जो इस सम्मेलन में अपना पूरा सहयोग देकर जो जो हमारे प्रस्ताव पारित होंगे, वैसे तो समूचा प्रस्ताव हमारे लिए दिशा ज्ञान और प्रगति का एक अनूठा प्रस्ताव है जिसे हमें सहृदय से स्वीकार करना चाहिए। मातृशक्ति इसे लागू करने में अग्रणी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों, मुझे सीमित विषय में रूढ़िवादी सोच, मिथक भ्रम और उस आडंबर से निजात पाने के लिए जो हमारी रीति रिवाज में सम्मिलित है, पहलावनी और लेन देन जो एक अभिशाप बन चुका है, मैं उस पर अपने विचार रखूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप सभी जागरूक हैं, आपका अंतर्मन भी कहता है कि यह रिवाज गलत है, हमारे आर्थिक विकास में एक रोड़ा है, हमारे आर्थिक विकास को एक रुकावट है, चुनौती देता है, क्योंकि इस आडंबर के पीछे हमारा जो खर्चा है वह असहनीय हो जाता है और होटल बोर्ड हमें आगे से आगे बढ़ चढ़कर भले ही कर्जा लेना पड़े हम उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इस विषय पर मेरा सबसे पहले एक अपील उन सक्षम परिवारों से है, उन संपन्न परिवारों से है कि वे आगे आकर इस रिवाज की भर्त्सना करें, इस रिवाज को रोकने में पहल करें, क्योंकि उनकी पहल समाज को दिशा ज्ञान देगी। उनको देखकर मुझ जैसे गरीब में हौसला आएगा, मैं क्यों दबता हूं, मैं क्यों पिछड़ता हूं, क्योंकि समाज में अगर मैं लेन देन की बराबरी ना करूं तो मुझे हीनता से देखा जाता है, वही भावना मुझे कचोटती है, मुझे समाज के साथ दौड़ना पड़ता है। उस दौड़ की आंधी में भले ही मैं गिर जाऊं, परिवार तहस नहस हो जाए, लेकिन फिर भी मैं दौड़ना अपना नसीब मानकर चलता रहता हूं। उसकी परिणति यह होती है कि मेरी अपनी संतान उस कर्म में दब जाती है जिसका मैं अपना दिखावा करके उस आडंबर को अपनाकर एक समाज में शूल बोकर जा रहा हूं। यह सम्मेलन पूर्व वर्तमान और भविष्य का सेतु है, इस सेतु से हमने सीख लेनी है। वर्तमान में हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इस पर हमें दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, खुले मन से विचार करना चाहिए। जैसे अभी शिक्षा पर, अन्य विषयों पर अपने अनुभवी लोगों ने अपने विचार रखे, उसी प्रकार हमें इसको भी हल्के में नहीं लेना है। ये रूढ़िवादी सोच, ये कुरीतियों के बहिष्कार और सुकृतियों की अवतारणा का समय है, हमें ऐसे कुरीतियों का बहिष्कार करना चाहिए। या नंबर नहीं, ऐसे जो हमारे समाज को दबाने, कुचलने और हमें पीछे धकेलने के लिए जो रिवाज है उनसे हमें निजात पानी चाहिए। मेरे समाज से अपील है, आप देखें, जांचें और सोचें, अरसा बीत गया हमें जिंदगी जीते जीते, इस रिवाज ने हमें कहां पहुंचाया, कौन सा हमें ऐसी उपलब्धि दी है जिसकी हम गुणगान करें, बखान करें, सिवाय इसके कि हमारे इस रिवाज ने हमारे घर परिवार बिगवाए हैं, हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। अब पहुंचे तो मेरे समाज में शिक्षा है, युवा है, क्रांति है, फिर यह रिवाज क्यों लागू है, क्यों नहीं हम इस रिवाज से बाहर निकल सकते। मेरा पढ़ा लिखा तबका, मेरा शिक्षित युवा क्यों आज मुंह कान दबाए बैठा है, क्यों नहीं पहल करता इस समाज को बदल देने की, इस रिवाज को बदल देने की।
कोई भी कुरीतियां, कोई भी मिथक, कोई भी भ्रामक रिवाज आज हमें नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। हमें जिस नई दृष्टि अपनानी पड़ेगी, हमें समाज को और नहीं तो कम से कम इतना तो हम जागरूक करें। उन पैसे वाले उन सक्षम परिवारों से मेरा निवेदन है, हमें भी जीने का अधिकार दें, हमें भी बराबरी का अधिकार दें। आगे आए इस रिवाज को, एक अभिशाप को, इस समाज को मुक्त कराने का भीला उठाएं। समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में, नई दिशा नई राह दिखाने में पहल करें। समाज आपका ऋणी रहेगा। हमारे करिश्माई नेतृत्व में नवल जी ने जिस प्रकार इस समाज को एकत्रित करके अपनी चिंता अपनी व्यथा इस प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने रखी है, यह समाज का वो आईना है जिसको हम अपना कर अपने समाज को सक्षम और प्रतिभावान बना सकते हैं। ये लागू होना चाहिए, लेकिन ये भाषणों से सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं बोला आपने मन लिया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन नहीं, हमें अंतर मन में उतारना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आज हम संकल्प लें कि इस अभिशाप से हम मुक्ति पाएंगे, लेन देन से मुक्ति पाएंगे, तभी हमारा समाज अपने विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। आर्थिक विषमता हमें समाप्त करनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति पर प्रहार है हमारे प्रगति पर, हमारे उन्नति पर, हमारे शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, ये हमारे पांव में बेड़िया है। ये कुरीतियां हमारे लिए इतना ही नहीं, अभिशाप ही नहीं, बल्कि हमारे वो सारे मार्ग अवरुद्ध करती है जिसे हम ऊंचाई की ओर ले जाकर इस समाज को स्थापित करना चाहते हैं। मेरे समाज प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, युवा शक्ति और बुजुर्गों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन और आवेदन निवेदन है कि कृपया इस पर गहराई से अपना मंथन करें, विचार करें और इस कुरीति से निजात पाने का आप अपना लक्ष्य स्थापित कर समाज को नई राह दिखाएं। धन्यवाद।